पाकिस्तान अरबों रुपए की जाली करेंसी नेपाल के रास्ते भारत में भेजने की साजिश रच रहा है। नेपाली सिंडिकेट इसमें उसकी मदद कर रहा है। वहां की सरकार के द्वारा 100 से बड़े भारतीय नोटों के चलन पर रोक लगा देने से नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने भारत में व्यावसायिक गतिविधि बढ़ा दी है। बड़े नोटों के रूप में अरबों रुपए के नकली नोट भारत में खपाने की कोशिशें हो रही हैं। सशस्त्र सीमा बल पड़ोसी देशों के इन मंसूबों को विफल करने के लिए आरबीआई और विभिन्न बैंकों की मदद ले रहा है। आपको बता दें कि बीते हफ्ते नेपाल ने 200, 500 और 2000 के इंडियन नोटों के चलन पर रोक लगा दी है। इससे नोटों के रूप में अरबों रुपए की भारतीय मुद्रा को भारत में लौटाने के लिए नेपाली सिंडिकेट ने दोनों देशों के सीमावर्ती लोगों की गिरोह तैयार कर लिए हैं। इसमें भारत और नेपाल के वो गरीब लोग हैं जो सीमा पर रहते हैं और आसानी से दोनों देशों में आते जाते हैं। दिहाड़ी और कमीशन पर इनसे करेंसी चेंज कराई जा रही है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान इसमें असली नोटों के साथ अपने नकली नोटों की खेप खपाने की कोशिश कर रहा है। एसएसबी के पटना सीमांत के आईजी संजय कुमार ने बताया कि बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बलों के लिए कई चुनौतियां हैं।